हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस तरह से चिमनी साफ करने का तरीका बताऊंगी जिसमें न ही आपको कॉस्टिक सोडा की जरूरत होगी और न ही डिटर्जेंट या फ्लूइड। चिमनी साफ करने का एफर्टलेस तरीका जानने के लिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी ये चिमनी 2 महीने हो गए करीब साफ किए हुए। वैसे तो हम काफी ऑयल फ्री खाना खाते हैं, फिर भी देखिए ऑयल वगैरह कैसे स्टोर हो गया है, यहाँ पर टपक रहा है। तो मैं इसके लिए पहले चिमनी को ऑन करके ऑटो क्लीन का बटन प्रेस कर दूंगी। यह प्रोसेस 10 मिनट का होता है जिसमें सारा ऑयल मेल्ट होकर कलेक्शन चेम्बर में आ जाता है। प्रोसेस खत्म होने के बाद चिमनी को 20 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि सारा ऑयल कलेक्ट हो जाए। अब 30 मिनट्स हो चुके हैं। जो ऑयल कलेक्शन कंटेनर है उसको मैं धीरे से ऐसे स्लाइड करके अपने तरफ खींचकर निकाल लूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं तेल छू रहा है और इसको सबसे पहले साफ करूंगी। ये देखिए ऑयल कलेक्टिंग चेम्बर में इतना तेल इकट्ठा हुआ है। अब बैफल फिल्टर खोलने के लिए नॉब को टर्न करके फिल्टर को स्लाइड आउट कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस दूसरे फिल्टर के लिए भी। इट कैन बी इजीली नोटिस्ड दैट चिमनी का इंटरनल साइड में तेल जम चुका है, प्लस बैफल फिल्टर के स्लिट्स में भी गंदगी है। सबसे ज्यादा ब्लेड के भीतर देखिए पूरा मसाला वगैरह भर गया है, एकदम पीला दिख रहा है। अब मैं ये बाहरी पोर्शन को साफ करना शुरू करूंगी। इतने बाहरी पोर्शन है और तेल जमे हुए हैं, वो सारे को टिश्यू पेपर से साफ कर ले रही हूँ। बाहर का ये सारे पोर्शन आपने देखा था, यहाँ भी तेल के बूंद सारे थे, वो सबको भी मैं टिश्यू पेपर से साफ कर ले रही हूँ। अब मैं ऑयल कलेक्शन चेम्बर को एक कॉटन के पतला कपड़ा को लेकर ऐसे ड्राई मैं पूरे तेल को ऐसे टाल लूंगी। जितना एब्जॉर्ब करना है ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लिया है और पूरा एकदम मैं ड्राई जैसे इसे पोंछ ली हूं इस कपड़े से। फिर अब मैं स्कॉच ब्राइट में विम बार लगा ली हूं और उससे जैसे बर्तन मला जाता है उस तरह से मैं मल ली। देखिए एकदम झकझक साफ हो गया है, एक बूंद भी चटचट वगैरह जरा भी नहीं है, एकदम ड्राई है। तो मेरा ये साफ हो गया। नाउ दिस इज द थिंग बाय विच यू कैन क्लीन योर चिमनी एफर्टलेसली। ये है तारपीन का तेल। आप किसी भी हार्डवेयर के दुकान में जाइएगा और तारपीन पूछिएगा, वो आपके विंडो वगैरह या डोर वगैरह सब चीज पॉलिश करने में ये सब काम लगता है। वुड पेंटर भी जो होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। ये तारपीन तेल को आप कॉटन कपड़े में इस तरह भिगो दीजिएगा पूरा, और फिर उससे आप जितने भी ये तेल लगे हुए हैं पहले बाहर के पोर्शन को इस तरह रगड़ रगड़ कर पोंछ लीजिएगा। पहले आप उस तेल को चारों तरफ लगा दीजिएगा, फिर 20 मिनट बाद ताकि वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा तो मैल जो भी ऑयलनेस है वो झट से निकल जाते हैं। वैसे आप संग संग लगाकर रगड़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा मेहनत होगा। तो देखिए इस तरह मेरा बाहरी पोर्शन पूरा क्लीन हो गया। अब भीतर के लिए मैं क्या करूंगी कि चूंकि स्पेस बहुत कम है, मेरे उंगली तो जाएगी नहीं, मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया। आप कुछ भी इस तरह के नुकीले चीज जो भीतर घुस जाए, नाइफ या स्क्रू पेंसिल इस टाइप के कोई भी, लकड़ी इस टाइप के कोई भी चीज लेकर और उस कपड़े को मैं घुसाऊंगी उस भीतर और फिर मैं उसे अप डाउन करूंगी। इससे क्या होगा कि वो आसानी से मैल एब्जॉर्ब कर लेगा कपड़ा और साफ हो जाएगा। देखिए मैंने एक आपको दिखा रही हूं कैसे पीला पीला सब है लेकिन एक मेरा साफ हो गया है। भीतर के भी पोर्शन को वही प्रोसेस कीजिएगा। आप थोड़ा सा पहले कपड़े से पूरे तेल दे दीजिएगा और फिर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। बिकॉज इंटीरियर पार्ट इज मोर स्टिकी सो यू हैव टू कीप ऑयल फॉर लिटिल बिट मोर टाइम। नाउ आई एम क्लीनिंग विथ विम बार एंड स्कॉच ब्राइट। एकदम उससे भी स्क्रू ड्राइवर से घुसा घुसा कर मैंने साफ कर लिया। देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, शाइनिंग दे रहा है, जग जग
साफ हो गया है। तो ये देखे ना कितना एफर्टलेसली मैंने इसे बिना झंझट के, बिना वो सारे पानी वगैरह बॉयल करने का कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ा और ऐसे इजीली मैंने साफ कर लिया। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना हाउ एफर्टलेसली एंड विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम मैंने कितना आराम से ये साफ कर लिया। यू मस्ट ट्राई दिस मेथड एंड प्लीज लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।